वालेकुम नाजरीन, मैं राजा तारन दीन आज़रबैजान बाबू से आपकी खिदमत में हाजिर। तो हम यहाँ पर आए हैं बाकू साहिल पर विद फैमिली। तो आप लोग देख सकते हैं कि साहिल का जो नज़ारा है, लोग और फैमिलीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और लोग इंजॉय कर रहे हैं। इसलिए यहाँ से यहाँ आके तो नहीं पता चलता कि कोरोना मौजूद है, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बाकी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बात करेंगे, साथ साथ अगर कोई दोस्त कोई सवाल करना चाहे तो मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा, ज़रूर दूंगा, तो सवाल भी आप कर सकते हैं ताकि जो भी आपका सवाल हो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। बाकू में अभी वीज़े तो बंद हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आप इनविटेशन बिजनेस के लिए आना चाहते हैं तो वो ओपन है, उसका अरेंज हो सकता है। वालेकुम सलाम जनाब फैसल जमान साहब, कैसे हैं? सेहत कैसी है आपकी जनाब? असीफ राजा साहब, आप कैसे हैं? हाँ, मैं आया था थोड़ा फैमिली के साथ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी गपशप हो जाए दोस्तों के साथ। तो बिज़नेस इनविटेशन का रेंज हो सकता है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो आज़रबैजान में वो तकरीबन 90 डेज़ का वीज़ा दे रही है अगर किसी का बिज़नेस इनविटेशन निकला हो। तो ई वीज़े अभी ओपन नहीं हुए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ना सस्पेंड है, तो उम्मीद तो की जा रही है कि ये तकरीबन जून जुलाई में शायद ओपन हो जाए, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए सारा कुछ होता है। जी जी जनाब, क्या हाल है? ठीक है सिद साहब जी, ज़रूर ज़रूर, आज़ाद कश्मीर से इंशाल्लाह जी सारा कश्मीर आज़ाद होगा, अल्लाह ताला करम करेगा। आप साथ साथ लाइक भी करते जाए ना ताकि मुझे भी पता चले मेरे दोस्त जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उनको आ रहा हूँ, पसंद भी आ रहा है या नहीं। तो हम लोग साथ साथ गुफ्तगू करेंगे। सर, रोड ट्रैवल क्योंकि बंद है, वैसे तो तकरीबन $100 से भी कम खर्चा आता था इस्लामाबाद से लेके बाकू तक, लेकिन हालात आपके सामने हैं अभी, तो कुछ नहीं कह सकते कि ये कब ओपन होगा। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हालात ऐसे हैं कि अभी तक रोड का जो सफ़र है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो हमारी बातचीत चल रही है, हम कोशिश करेंगे किसी टूरिज़्म कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पर बसेस सर्विस का सिस्टम स्टार्ट कर सके ताकि टूरिज़्म के हवाले से बूम आ सके, और यहाँ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टूरिज़्म को भी प्रमोट किया जाए। उस सिलसिले में आ रहे जी सफ़ीर साहब के साथ भी बात हो चुकी है, हम यहाँ पर इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, उस पर हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कर रहे हैं जी। 14 मई का इन्होंने प्लान ज़रूर दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 14 मई तक ये ओपन होगा। उसकी जो ख़ास वजह है वो ये है कि आप सब दोस्तों को पता है कि कोरोना वायरस अभी तक पूरी दुनिया में लहर की तेज़ी के होने की वजह से ये सस्पेंड हुआ हुआ है, लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात जा रही है वो ये जा रही है कि हो सकता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कोई नए एग्रीमेंट के तहत इंट्री हो जाए पाकिस्तानियों के लिए, जिस तरह इन्होंने तुर्की के लोगों के साथ किया है, आज़रबैजान ने दो तरफ़ा मुआहदा हुआ है। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो कोरोना के टेस्ट के साथ या वैक्सीन लगवाने के बाद आप आसानी के साथ यहाँ आ सकेंगे। उससे ये होगा कि तकरीबन मेरे ख्याल में 60 दिन की इंट्री की कुछ बातें हो रही हैं, बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी होती हैं हम यूट्यूब पर वो नहीं दे सकते, इस वजह से बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं ना वो टाइम के साथ ही उनको ओपन किया जाता है, उससे पहले आप ओपन नहीं कर सकते, कुछ कानूनी वजूहत भी होती हैं वो
ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग हैं ना जो वो हमारी इस यूट्यूब से या हमारे इस चैनल से जो है ना वो नाराज़ ना हो सके। अब धूप बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं आपको वो सवाल भी नहीं पढ़ पा रहा। मौसम सर बहुत खुशगवार है, ये सिर्फ शर्ट पहनी है और ये सिर्फ ऊपर कोट है, तो इसके अलावा सर्दी भी है, लोगों ने कोट भी पहने हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक मौसम है। कल बारिश भी हुई थी बड़ी खूबसूरत, लेकिन अभी गर्म हो जाएगा मौसम। मौसम के लिहाज से देखा जाए तो बाकू का मौसम हमेशा ही अच्छा रहा है, बाकू मौसम के लिहाज से बहुत ऊपर है। तो जी पाकिस्तान में तकरीबन जी रावलपिंडी, ज़िला रावलपिंडी और तहसील गुजर खान से मेरा तल्लक है, आप मेरी फेसबुक देख सकते हैं। इसके अलावा मैं हर जगह पे मौजूद हूँ, अल्लाह पाक का एहसान है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। मैं तो मीडिया का बंदा हूँ, हर जगह मौजूद हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं, इस वजह से सबको पता है कि मेरा तल्लक जो है किस शहर से। हम राजा तार नदीम बाकू लिखेंगे तो मेरी फेसबुक आ जाएगी, वहाँ पर मेरी सब मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। इसके अलावा अभी मैं इंस्टाग्राम पर हूँ राजा डॉट बाकू, वो भी आप देख सकते हैं। और दोस्त बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे अच्छे तरीके के साथ जानते हैं, तो इसी के साथ ही मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि जब तक कोरोना वायरस के पर काबू नहीं पाया जाएगा, यहाँ से जो है ना वो टूरिज़्म स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लोग यहाँ पर ऑलरेडी थक हैं, तो परेशान हो चुके हैं जिनकी टूरिज़्म कंपनियाँ हैं। कहने का जो मेन मकसद है यही है कि अभी इंतज़ार है, कोई ख़ास खबर नहीं है, कोई ख़ास सिस्टम नहीं है कि मैं उसको जारी और सारी जो है ना वो आपको कुछ अच्छी कुछ खबरी सुना सकूं। तो आप दोस्त हैं, भाई हैं, बस तो आप ये कीजिएगा कि सारे हालात अच्छे रहें। इसके अलावा मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।